हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, आपके लिए मैं मोटिवेशन एक स्पीच जरूर अपलोड कर रहा हूं ताकि आप देखकर कुछ मोटिवेट हो सके। चलिए एक और मोटिवेशन स्पीच आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आपका सिचुएशन क्या है। जो स्टूडेंट्स पढ़ लिए वो लोग नॉर्मली एग्जाम्स लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एवरेजली पढ़ लिए वो लोगों को थोड़ा दिक्कत है, जो नहीं पढ़े वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, जो नहीं पढ़े जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनको भी मेरे इन वीडियो से कुछ बूस्ट हो जाए, कुछ हद तक मैं हेल्प कर सकूं, इसलिए आपके लिए मैं मोटिवेशन स्पीच अपलोड कर रहा हूं। अब रहा नेक्स्ट एग्जाम, एट क्लास के लिए तेलुगु है, तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज, और नाइन्थ एंड टेंथ ये क्लासेस के लिए है इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज, और सिक्स एंड सेवेंथ के लिए है मैथ्स, मिक्स्ड सब्जेक्ट्स है। अब रहा ये इंग्लिश, नाइन्थ एंड टेंथ के लिए इंग्लिश पेपर है, जनरल टॉपिक्स रहेंगे, आपको आंसर्स वो कुछ भी नहीं रहेंगे, उसको आप याद करेंगे समझकर तो बेहतर है। मैं कहता हूं कि लेसन अच्छी तरह पढ़ लीजिए, लेसन के पीछे जो आपके वेकैबुलरी है वो वेकैबुलरी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर आप वर्ब बुक करें हैं तो वर्ब बुक में से जो जो ग्रामर करें हैं वो अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट पेपर में रीडर से आएगा, सेकंड पेपर आपका जो होगा आपको पैसेज लेटर्स या जो भी इन्विटेशन आप जो भी लिखे हैं वो सेकंड पेपर में होगा। आपने ऑलरेडी उर्दू का पेपर देखे हैं उसी तरह रहेगा नाइन्थ एंड टेंथ के लिए। ज्यादा आप सोचिए मत, सिंपली पढ़ लीजिए, जो पढ़े हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, जो आंसर्स पढ़े हैं आप उस पर अपने आप पे विश्वास करके जाइए और थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर मीनिंग्स और ये सभी चीजें आपको आएंगे। ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, उसी तरीके का पेपर आपको एग्जाम में आएगा, लास्ट ईयर जिस तरह था उसी तरह, लेकिन वही पेपर को टू पेपर्स में डिवाइड कर दिया गया है, टू पेपर्स होंगे नाइन्थ एंड टेंथ के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपलोड करूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ लेटर कॉम्पोजिशन लेटर और उसी तरह आपका पोस्टर इन्विटेशन यही चीजें रहेंगे, लेकिन सारा ग्रामर फर्स्ट पेपर में तो पूरा ग्रामर आपको रहेगा। देखिए एक अच्छी चीज याद आ गई मुझको, आपको पेपर लिखते वक्त ये आपका एडिशनल रहेगा, आपको क्या करना है यहां से मार्जिन मारना है, मार्जिन मारकर आप अगर क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं जैसा 1 से 10 लिख रहे तो 1 से 10 यहां पर डालना है, डाल के सिर्फ आंसर ही यहां पर लिखना है 1 का 2 का 3 का। अगर 20 से 30 लिख रहे 20-30 यहां पर आपको डालना है, सिर्फ आंसर 20, 21, 22 इस तरह डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में गलती करते हैं कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस लिखते हैं, करेक्शन करने वालों को दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होता है, मार्क्स भी कम मिलते हैं आपके, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह अगर आप अगर नहीं समझ में इस तरह ले लें तो 20 to 21 लिख रहे 30 लिख रहे यहां पर डाल देना, यहां पर आपको स्टार्ट करना है, 40 to 41 डालना है यहां पर आपको स्टार्ट करना है, इस तरह जितना आंसर है उतना ही आपको लिखना है, पूरा पैराग्राफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूं मैं कि कंप्लीट क्वेश्चन लिखते हैं, कंप्लीट आंसर्स लिखते हैं, नहीं, क्वेश्चन का नंबर डालकर उस नंबर का जितना आंसर्स है छोटा छोटा आंसर जो भी रहेगा वो आपको लिखना है, करेक्शन करने वालों को भी इजी होगी और आपको भी पेपर अच्छा लगेगा। ये इंग्लिश के टिप्स है। अब रहा एट क्लास वाले तेलुगु के लिए, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे मेरे वीडियोस, मैं तेलुगु के 3 वीडियोस अपलोड करूंगा। पहला वीडियो पूरा सिलेबस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, दूसरा वीडियो एक मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, और तीसरा वीडियो एक फाइनल लास्ट मिनट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। पहला मैं अपलोड करूंगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, कल मिलेगा ये वीडियो आपको फर्स्ट, और कल इवनिंग में मिलेगा मॉडल पेपर का, उसके बाद मंडे मिलेगा लास्ट मिनट से, इतना ही पढ़ के जाइए और ग्रामर भी रहेगा उसके अंदर, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं तेलुगु बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जितने देता हूं आप उतने पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा, क्योंकि तेलुगु मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मैं समझ सकता हूं। ऑलरेडी मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है डिस्ट्रिक्ट का, अगर आप 8 क्लास वाले वो पेपर भी कंप्लीटली याद करेंगे तो 80 to 90% वही क्वेश्चंस आएंगे, 3 lessons या 4 lessons से ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ओनली 4 lessons या 3 lessons है, 4 lessons के याद कर लीजिए बेहतर रहेगा,
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ थ्री लेसन क्या है, थ्री लेसन के अगर पूरे क्वेश्चन भी आप काउंट करेंगे 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, आसान है। हो सकता है कभी जनरली दे सकता है, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पूरा कंप्लीटली मटेरियल आपको मिलेगा। और दूसरा सिक्स एंड सेवेंथ का रहेगा मैथमेटिक्स, इजी पेपर रहेगा। मैंने ऑलरेडी फुल रीडर के साथ आपको अपलोड कर दिया है और पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने अपलोड किया है। वो क्वेश्चन पेपर को अगर आप सीरियसली देखकर अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम आसान लगेगा, बहुत सिंपल पेपर रहेगा। लेकिन टेंथ से सिक्स सेवेंथ के छोटे बच्चे होते हैं, मेच्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि सिक्स क्लास वाले फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट पेपर लिखे होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सेवेंथ क्लास वाले तो ऑलरेडी एक बार सिक्स का गवर्नमेंट पेपर लिख चुके हैं, वो लोगों को बहुत आसानी पेपर लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास टू डेज टाइम है, संडे मंडे, अगर आज का दिन मिलाएंगे तो थ्री डेज। अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो थ्री डेज टाइम है, कंप्लीटली सिलेबस आप कर सकते हो। तेलुगु अगर पढ़ना है तो थ्री डेज टाइम है, कंप्लीटली आप याद कर सकते हो। इंग्लिश पढ़ना है तो भी आपके पास थ्री डेज टाइम है, कंप्लीटली आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये एक हमको मौका मिला है थ्री डेज का टाइम। इसके अंदर हम लोग कंप्लीटली पैकेज बनकर कंप्लीटली याद करके जाना है, अच्छी तरह एग्जाम लिखना है। थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, आपको जनरली पढ़ना पड़ेगा और लेसन को समझना पड़ेगा, तभी आप लिख पाओगे। अगर आप वर्कबुक से याद करेंगे या रीडर से चार पांच आंसर से याद करेंगे तो उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। ज्यादातर आप जानते हैं इंग्लिश में 70% ग्रामर ही होता है। तेलुगु का भी पार्ट बी ग्रामर होता है, 20 मार्क्स का ग्रामर होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है, वो भी मैं अपलोड करूंगा। कम से कम इतना भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रहा मैथमेटिक्स, 7 चैप्टर 6 चैप्टर जो भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप कीजिए। माई टीचर आया, आपके टीचर आपको रिविजन दिए हैं, वो पिकअप करके उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में हमको वक्त कम था, पढ़ना ज्यादा था, लेकिन आपको बहुत टाइम मिला है, इस टाइम को जाया मत कीजिए, अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही मैं समझा सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं या पहली बार है इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आप लोगों को पता है सेवेंथ क्लास टेंथ क्लास के दो पेपर्स है, 8 क्लास का एक पेपर है, 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 20 मार्क्स का ग्रामर है। और आपको पोएम फर्स्ट सेक्शन में पैराग्राफ आएगा तेलुगु 8 क्लास वालों के लिए, और उसी तरह कुछ पोएम्स भी आएंगे, वो भी मैं अपलोड करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और 6 और 7th के स्टूडेंट्स भी, ये लोग भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ भी आएगा आपको, पाईग्राम, पाई डायग्राम, या आप हिस्टोग्राम पढ़े हैं 7 चैप्टर पढ़ीजिए, वो एक वहां से कंपलसरी आपको पूछेगा। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे वर्कआउट करेंगे, एग्जाम अच्छा लिखेंगे। कुछ और डाउट है तो मुझसे आप बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। ऑल द बेस्ट, सभी एग्जाम्स की तरह ये एग्जाम्स भी अच्छा लिखिए, खुशी खुशी, डिमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं हमको तेलुगु नहीं आता, क्या करना है। जितने आपको आंसर्स आते हैं लिख लीजिए अच्छी तरह, उनसे लिखने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। जैसा पोएम है, चार लाइन्स रहते, आसानी से याद हो जाएगी आपको, इजी। और उसी तरह पैराग्राफ के आंसर्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप आंसर्स याद भी नहीं करें तो अगर ग्रामर करेंगे या पोएम या पैराग्राफ करेंगे तो आपको एटलीस्ट 40-50 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो लेकिन आंसर्स याद करेंगे तो आपका ग्रेडिंग मार्क्स बढ़ जाएगा, तो इसलिए याद करने की कोशिश कीजिए आंसर्स भी, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। और मैं आपके लिए कंप्लीटली मटेरियल अपलोड करूंगा, आपको कहीं से देखने की, किधर से भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, टोटली तेलुगु और मैथमेटिक्स के लिए मुझ पर आप डिपेंड रह सकते हैं 100% अगर विश्वास करके, अगर आप करते हो। अगर विश्वास नहीं है तो दूसरे भी आप पढ़ सकते हो। ऑल द